फाइनली एरिस्टोटल जो उसकी जो सेइंग है, कोटेशन है, उसके बारे में जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो वॉक द टॉक, फिर हम आप क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दे देंगे। तो सबसे पहले तो हम टाइटल पे जाते हैं कि आज के जो टाइटल है हमारा द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बेसिकली जो इफेक्टिवनेस है ना, किसी भी लिहाज से इफेक्टिवनेस विद आर सेल्फ एंड अदर इज बेस्ड अपॉन आर इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड नॉट अपॉन क्विक फिक्स फार्मूलाज और मैनिपुलेटिव टेक्निक्स। बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट है इन लॉन्ग टर्म्स इफेक्टिवनेस विच आर हैबिट विच कैन बी लर्न एंड इट कैन बी इंटरनलाइज। ये जितने भी आप तस्वीरें देख रहे हैं मोस्टली इनमें टैलेंट नहीं था, लेकिन टैलेंट जो है वो जो टॉप प्लेयर बने या सक्सेसफुल पर्सन मिले या सोशल एंटरप्रेन्योर बने, उसकी एक ही वजह थी कि इनका एटीट्यूड जो था वो बहुत पॉजिटिव था। और अगर मैं इधर से शुरू करूं, ये अगर ये आपको नजर आ रहा है, हेलो जी जी नजर आ रहा है, ये सिकंदर साहब हैं, ये शान के मालिक हैं, शान के मालिक हैं, 40 मुल्कों में प्रोडक्शन चल रही है। इन्होंने अपने कमरे से काम शुरू किया था, ना तो इनके पास एजुकेशन है ना ये मास्टर्स हैं, लेकिन एक चीज थी, एक इंग्रेडिएंट इनके पास ऐसा था कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी और पेटी इश्यूज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे, अपने काम पे ज्यादा फोकस रहते थे और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते थे, ही ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाए ऑनर शिवाजनगर, राइट, ये ऑलमोस्ट 7 टाइम चैंपियन बना बॉडी बिल्डिंग में। द मोमेंट ही स्टेप इनटू द फिल्म इंडस्ट्री ही बिकम चैंपियन। फिर पॉलिटिक्स में आया, कैलिफोर्निया का जो है गवर्नर बन गया। इसी तरह उसकी राइट पे एक ब्राइन ट्रेसी है, ये प्लम्बिंग का काम करता था, लेकिन अपनी गाड़ी में एक दफा सोचता है कि ये बड़े लोग क्यों बनते हैं, मेरे में और उनमें क्या फर्क है। तो बहरहाल ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन और इसने MBA किया, और आजकल ये जो है कैलिफोर्निया में ये मोटिवेशनल स्पीकर है और बिलियनर हो गया है। और ये बिल्कुल मतलब प्लम्बिंग का काम करता था, गरीब आदमी था, लेकिन इसने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाट मेक द डिफरेंस, योर थॉट मेक द डिफरेंस। फिर ऑन योर लेफ्ट एक्सट्रीम पे आप देखते हैं इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बहरहाल हमने इनकी उन आदत का डिस्कस करना है क्योंकि मैंने इनके साथ मैं रहा भी हूँ, मैंने स्विमिंग भी की है, मैं हम कमरे में एक साथ हम बैठे भी हैं, ट्रैवलिंग भी साथ की है, और तकरीबन 2.5 से 3 साल मैंने इनके साथ वक्त गुजारा है। जो सीखने वाली चीज थी वो ये है कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब बहुत सारे जा रहे इश्यूज और इस वक्त मौजूदा हालात में एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं हो रही, वो अलग है, वो अलग चीज है, लेकिन ये सोशल एंटरप्रेन्योर भी बन गए, हॉस्पिटल भी बना लिया, क्रिकेटर भी बन गए, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, ये क्यों बन गए? बाकी डिलीवर करे या ना करे वो सेपरेट इश्यू है। फिर इन द मिडल आप देखें हमारे हीरो हैं ईदी, इनकी क्या पढ़ाई है, क्या लिखाई है, लेकिन कितना बड़ा काम कर गए पाकिस्तान में। मैंने अमेरिका में देखा, न्यूयॉर्क में मैंने 555 को फोन किया तो एक बिल्ली का बच्चा रो रहा था, तो मैंने 555 एक बड़ी एम्बुलेंस आई और उसको लेकर चली गई है, लेकिन इसने यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया डेवलप कंट्रीज में। हालांकि कितना मुश्किल है, लोग कहते हैं नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, कैसे करेंगे। हेलो, यस, आर यू लिसनिंग और नॉट? व्हाट, ऑल ऑफ यू प्लीज? यस सर, वी आर लिसनिंग। ओके सर, वी आर फॉलोइंग। ओके, थैंक यू। ये आप देखें, ये इंजमामुल हक है ना, ये मेरा ये रूममेट होता था 90s में, और इसको मैंने ऑफर किया था, हम UBL में खेलते थे, ये मुल्तान से खेलने आए थे, ये वकार इनस, तो इसने अच्छी बैटिंग की, तो हमने 1600 रुपए में, तकरीबन 16,000 में या 12,000 में, सॉरी, इसको हमने हायर किया था UBL में। फर्स्ट जो अपीयरेंस हुई थी फर्स्ट क्लास में इसकी, मतलब डिपार्टमेंट में, वो यूनाइटेड बैंक से हुई थी। तो इसका जिंदगी में पहला कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही करवाया था 3 बैट से, लेकिन ये मैंने इसको देखता था कि ये सुबह उठता था, बड़ा कॉन्सेंट्रेशन इसका है होता था, ना अंग्रेजी आती थी ना कोई, मतलब बस शाय पर्सनैलिटी थी, लेकिन अपने काम में बड़ा फोकस होता था। क्योंकि देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो होता है ईगो ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, एक होता है टास्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ना वो ईगो ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के साथ आती है, कि वो अपनी इज्जत के खातिर
सब कुछ कर डालता है, लेकिन जो टास्क ओरिएंटेड होता है, भले वो उसको प्रॉब्लम भी आए लेकिन वो टास्क पे रहता है कि टास्क अचीव होगा या नहीं होगा। बहरहाल तो ये इंजमाम उलक जो था वो मुझे अच्छी तरह याद है। इसका एक दफा जो है साहिवाल स्टेडियम में सातवां नंबर हमारे एक हारून रशीद साहब हैं उनको इसका नंबर, हालांकि ये वन डाउन बैट्समैन था तो ये बड़ा बेचारा परेशान हो रहा था कि मेरा सातवां नंबर है, ओवर्स की क्रिकेट थी। तो मैंने इसको ये सजेस्ट किया, देखो कोई काम मुश्किल नहीं है, सब काम आसान है, पेशेंस जरूरी है, पेशेंस के साथ अगर तुम खेलोगे इंशाल्लाह, जस्ट वेट फॉर द गुड टाइम, अभी तुमने कुछ नहीं करना। एनी हाउ इसने बात सुनी मेरी और सातवें नंबर पे गया, विद इन 15 ओवर्स इसने 100 कर दिए। फिर आप देखें यूनुस खान, ये यूनुस खान मर्दान का है, ये भी अभी फिर मैं भी यूबीएल में था, फिर उसके बाद मैंने जो है हबीब बैंक ज्वाइन कर ली थी, तो ये यूनुस खान वहां पे था, ये भी मेरा रूममेट रहा। इसी तरह आप राइट साइड पे देख ले, और इसकी भी एक सबसे बड़ी आदत ये थी कि ये हमेशा सामने देखता था, कभी राइट में नहीं देखता था, क्योंकि सम टाइम यू कैन सी रियर मिरर और बैक मिरर व्हाइल ड्राइविंग कार, इफ यू कंटिन्यूस वाचिंग रियर मिरर और बैक मिरर व्हाइल ड्राइविंग कार यू विल हैव एन एक्सीडेंट। हाँ कभी कभार तो हम देख सकते हैं कि क्या गलती है क्या कोताही है, लेकिन जो हमारी आदत है कि हमेशा हम नेगेटिव देखते हैं जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं जाते, यही हाल हमारा पाकिस्तान का है कि 70 साल हो गए और हम कहाँ पर मौजूद हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने वर्किंग वैसे की ही नहीं जैसे हमें करनी चाहिए। फिर इन बिटवीन आप देख लें, ये जहांगीर खान इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो ये बताता है मैं क्यों, हालांकि वही जो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल है कि इसके पास जो था इसने शुरू कर दिया, हालांकि डॉक्टर ने मना किया, ना इसके पास ग्राउंड था ना फैसिलिटीज थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसने इसने खेलना शुरू कर दिया, और ना इसके पास फैसिलिटीज थी ना पैसा था, छत भी नहीं थी, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी बना और इसने साइड में नहीं देखा, काम करता रहा, प्रोसेसेस पे चलता रहा, एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा और 10 टाइम ब्रिटिश ओपन बन गया। और ये बड़े नन प्रिंसिपल है कि जो तुम्हारे पास है उसको करते रहो करते रहो, इंशाल्लाह जब मेहनत करते रहोगे ईमानदारी के साथ तो यू विल गेट द रिजल्ट। इसी तरह शाहिद अफरीदी है। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इफ यू थिंक पॉजिटिव यू डिलीवर पॉजिटिव, राइट। और हमेशा जो है जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा लेक्चर है, मेरा लेक्चर जस्ट लाइक अ बूफे, बूफे में जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पसंद नहीं होती और बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं, जो पसंद होती है उसमें हम अटैक कर देते हैं और जो पसंद नहीं तो उसका तस्करा भी नहीं करते। तो जस्ट लाइक ये जो लेक्चर है मेरा जस्ट लाइक ए बूफे, जो अच्छी चीज हो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, जो पसंद ना है उसको खुदा के वास्ते उसको गार्बेज में फेंक दीजिएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो हमने आपके सामने जो पिक्चर शोज किए हैं कि इनमें टैलेंट नहीं था लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एटीट्यूड था। अब आ जाए इंट्रोडक्शन, अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं जो आज की बात है जैसे मैंने तकरीबन 17 साल स्पोर्ट्स में लगाए और पाकिस्तान क्रिकेट खेली, इतनी नहीं खेली लेकिन बहरहाल पहला टूर मेरा वेस्ट इंडीज का, इमरान खान वाज कैप्टन, तो उसमें पहले मैच मुझे जब मिला रमीज आजा मेरा पार्टनर था और मुझे सिर्फ 15 मिनट पहले इमरान खान ने कहा तुम मोइन यू आर प्लेइंग, तो हालांकि मैंने तक हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, 5-6 राउंड लगा चुके थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं इसको ना नहीं करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे क्योंकि कैप बड़े मुश्किल है पाकिस्तानी कैप मिलना। एनी हाउ मैंने खास साहब से बोला ओके आई एम रेडी टू प्ले, तो खैर जब टॉस हो गया तो जब टॉस हुआ तो हम लोग की बैटिंग आ गई, तो मेरा नंबर वन डाउन था, तो मैंने जो नंबर वन डाउन था तो मैंने इमरान खान से पर्सनली रिक्वेस्ट की लेट मी ओपन द इनिंग प्लीज, तो उसने कहा अच्छा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को, उसने बुरा नहीं माना कि ये छोटा बच्चा जो है मुझे कह रहा है ओपन कराओ, तो उसने शुएब मोहम्मद को वन डाउन किया, मुझे ओपन भेज दिया और मैं और रमीज आजा ओपन चले गए, 109 रन की पार्टनरशिप हो गई, पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो गया। जब मैं वापस आया 46 रन किए 55 बॉल पे तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली, तो इमरान खान ने कहा तुम ये अच्छी बात है, तुम डरते नहीं हो और तुमने कहा कि मैंने खेलना है, यहाँ पे तो सब भाग रहे हैं। उस 88 की सीरीज में मोस्टली जो है बिशप ने हेलमेट तोड़ दिया था, बहुत तेज गेंदें हो रही थी तो बहुत सारे प्लेयर जो है भाग रहे थे, हालांकि बहुत टैलेंट था, एक्सपीरियंस भी था, सब चीज थी, टेक्निकल स्किल्स भी थी, लेकिन क्या चीज था, फियर, स्टिग्मा ऑफ फियर था। बहरहाल तो उसके बाद फिर मैंने 17 साल के बाद जो अच्छा बीच में मैंने हॉकी भी खेल ली थोड़ी सी ना, कोरिया के खिलाफ हॉकी भी खेल ली, फिर आफ्टर 17 साल बाद मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने कहा अब तो क्रिकेट खत्म हो गई, तो आई हैव रीस्टार्ट माय एजुकेशन, आई डन माय यू नो ग्रेजुएशन इन वे बैक इन 1998 एंड एनरोल इन एमबीए फ्रॉम हियर हमदर्द यूनिवर्सिटी, पास आउट
एंड देन वेंट टू यूके फॉर अनदर मास्टर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. फिर वहां पे एमफिल भी हुआ 2006 में वापस आया. तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी, आजकल डीएचएस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ एज ए परमानेंट फैकल्टी, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ, फैक्शनोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ. और फिर उसके बाद पीसीबी ज्वाइन किया एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. वहां पे भी 2.5 साल काम किया अफगानिस्तान टीम को, पाकिस्तान हॉकी टीम को, बॉक्सिंग फेडरेशन को. बेसिकली यही बात की है कि देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. व्हाट मेक द डिफरेंट, योर थॉट मेक द डिफरेंट. तुम्हारी सोच जो है तुमको ऊपर लेके जाएगी. टैलेंट इज नथिंग, टैलेंट प्रोड्यूसेस इगोइज्म. हाउ कुड वी पॉलिश द टैलेंट वाया एटीट्यूड. तो एटीट्यूड जो है उसको डेवलप करना है और वो ये है सॉफ्ट स्किल. अनफॉर्चुनेटली इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं है. हमारे यहाँ टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग है, ह्यूमन स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं है, मेंटल स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं है. ह्यूमन स्किल्स ये है कि हम एक दूसरे डील कैसे करें. जैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा ना क्रिटिकल प्रिंसिपल के स्टेक होल्डर से आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जब तक रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं होगी और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, यू विल नॉट ग्रो योरसेल्फ. आपने हर से रिलेशनशिप बिल्ड करनी है. उसके लिए सबसे पहली चीज आपके जहन में, जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, आप कभी भी जो है रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते. क्योंकि फिर आपको नेगेटिव चीज नजर आएंगी, कभी पॉजिटिव चीज नजर नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरी यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी, वो बिरयानी खा रही थी. तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या खा रही हो? कहते हैं बिरयानी. मैंने कैसी है? कह रहे नहीं सर ठीक नहीं है, देखें ये है ये. मैंने कहा छोड़ दो. तो छोड़ती भी नहीं, पूरी भी खा गई. तो क्या हुआ, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसने बिरयानी खाई और उसमें से नेगेटिव चीजें निकालती रही, लेकिन छोड़ती भी नहीं है. हाँ, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन क्या है, जब पसंद है और पसंद नहीं भी है तो उसको समझो कर दिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी और इसी को हमने अवेल करना है, इसी से हमने एनर्जी लेनी है. तो वो तुमको मैक्सिमम यू नो एनर्जी दे देगी. तो बेसिकली तो इंट्रोडक्शन में ये है कि फिर मैंने पढ़ाई शुरू, मतलब पढ़ाई के बाद जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तकरीबन 5-6 यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी. IBM भी पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत, और जो है DHA में एज ए परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करता हूँ कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं होती, एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह बीच लग्जरी में हबीबियंस के साथ एक मेरा वर्कशॉप थी, तो उसमें एक मैनेजर ने बोला, साईं सारे हमारे सारे आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हमारे एक ब्रांच में एक ऐसा आदमी है जो कि ठीक ही नहीं हो सकता और ना वो ठीक होता है, बाकी ठीक है. तो मैंने कहा साईं मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, वो ये करता हूँ कि बात यह है कि इसके अलावा भी कोई और ऐसे बंदे हैं जो अच्छे हैं. तो कहता है हाँ अच्छे हैं. मैंने कहा उनके बारे में कितना सोचते हो? कह रहा उसके बारे में कम सोचता हूँ. मैंने कहा तुम जब घर से निकलते हो किसके बारे में? कह रहा उसी के बारे में. मैंने कहा जब ऑफिस में आते हो किसके? कह रहा उसी के बारे में. तो मैंने घर जाते हो तकरीबन उसी के बारे में. तो मैंने कहा ज्यादा टाइम उसमें लगाते हो और वो यही चाह रहा है कि तुम मेरे बारे में सोचो. अगर तुम उसको इग्नोर कर देते और जो तुम्हारे अच्छे हैं पॉजिटिव साइड वाले लोग हैं उनके बारे में सोचते, खुद ब खुद ठीक हो जाता. तो इग्नोरेंस जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली यू कान गेट स्मूथ कार्पेट. आपको स्मूथ कार्पेट नहीं मिलता, आपको जो है फाइट करनी पड़ती है और सरकमटांसेस जो खराब भी होते हैं ना वो भी आपके फेवर में आ जाते हैं. बहरहाल इसमें फिर वीडियो है, स्टोरी है, ये टैलेंट अरिस्टोटल. इसके बाद इंशाल्लाह होम असाइनमेंट जो आज का जो एक क्लास कल्चर है, क्लास कल्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रूल वन है, इसका एक कॉन्सेप्ट है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. ये जावेद मियांदाद है और ये ऊपर O'Sullivan ओलंपियन ये एक रेस खेल रही थी. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी काम करें उसको एंजॉय करें, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. जैसे इस वक्त करंटली आप व्हाट यू आर डूइंग राइट, आप यू आर टेकिंग अ लेक्चर, तो यू एंजॉय योर टेकिंग योर लेक्चर राइट. अब और इसमें तीन सवाल आते हैं कि कौन सी अच्छी पर्सनैलिटी है, कौन सा बेस्ट टाइम है और आपका काम कौन सा है. जाहिर है इस वक्त मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ, बाद में सवाल कर लेंगे. इस वक्त आपका काम है लेक्चर लेना और बेस्ट पर्सनैलिटी, वेदर यू लाइक मी वेदर यू डोंट लाइक मी, इन एनी केस यू हैव टू डेवलप दिस एटीट्यूड, आई एम द बेस्ट पर्सनैलिटी राइट. तो और काम कौन सा है आपका, यू आर टेकिंग अ लेक्चर. जब आप इन तीनों चीजों से पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप मैक्सिमम मुझसे लेंगे. सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू मी, मेरे साथ भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है कि मेरे लिए जो सबसे बेस्ट ऑडियंस है इस वक्त मेरे लिए जो सामने मौजूद है, जो इस वक्त मेरे पार्टिसिपेंट है, और मेरा जो करंट टाइम है इज द बेस्ट टाइम है, एंड वॉट इज माई टास्क गिविंग अ लेक्चर, तो आई हैव टू स्टे विद देम. मैंने इनके साथ रहूंगा तो मेरी
परफॉर्मेंस हो जाएगी। अल्टीमेट जो गोल है दुनिया में आने का हम सबका, वो परफॉर्मेंस है, चाहे कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पंखा हो, चाहे प्रोडक्ट हो, सबका काम परफॉर्मेंस है। और परफॉर्मेंस जब होती है कि जब आप करंट मोमेंट को एंजॉय करते हो, राइट। तो बेसिकली ये क्लास कल्चर है जो हमने डेवलप किया है। तो आप आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी टाइम है, आप उसको एंजॉय करें और जो पॉजिटिव साइड है उसको लेते रहें, नेगेटिव साइड को बिल्कुल जगह मत दीजिएगा उसको आने के लिए, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू आउट ऑफ नथिंग। और जो एंटरप्रेन्योर, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो उसी में से अपॉर्चुनिटी बनाता है, उसमें से एडवांटेज बनाता है और उसी में से प्रॉफिट लेता है। आप जहांगीर खान की मिसाल ले गए, उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन कहां से कहां निकल गया। लेकिन इसी अगर दूसरा आदमी ले ले, एक नेगेटिव आदमी ले ले, तो वो कहेगा फैसिलिटीज नहीं है पाकिस्तान में, मैं क्या करूं, पाकिस्तान में ये कुछ फैसिलिटी नहीं है, कोच नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। जैसे आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने सारे कोचेस आ गए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। एक जमाने में इमरान खान था, एक भी कोच नहीं होता था। अभी जो इंग्लैंड टीम गई है, तकरीबन 22 ऑफिशियल गए, 22 ऑफिशियल प्लेयर गए, 16-17 ऑफिशियल 22 गए, जिसमें पता नहीं डॉक्टर है क्या क्या है। और जब हम लोग वेस्ट इंडीज के टूर में गए थे, ऑफिशियल सिर्फ 3 थे, इमरान खान कैप्टन था, इमरान खान कोच भी था, और सिर्फ इंतखाब आलम हमारे साथ था। और फिर भी हमने 20 साल बाद उनको टेस्ट मैच हराया, इंग्लैंड में इमरान खान ने हराया, इंडिया में हराया, लेकिन ये सब ये ना कर सके, और वर्ल्ड कप भी जीता। तो ज्यादा ऑफिशियल रखने से कुछ नहीं होता, अपना एटीट्यूड को चेंज करना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब मैं आपको ये थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ, प्लीज, है तो छोटी सी वीडियो लेकिन लर्निंग हैज नो एंड एज फार एज योर अलाइव ऑन दिस अर्थ। बार दफा छोटी सी चीज से हम सीख लेते हैं, बार दफा बड़ी से बड़ी चीज से नहीं सीख सकते, तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो ये जरा अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा प्लीज। ऑब्स्टिकल्स आर दोस फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ योर गोल। You are the creator of your own destiny. No one else. कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। If you want to make dreams come true, first thing you have to do is what? Just wake up, please. Always act like you are wearing an invisible crown. ये जो जुमले हैं, off, can't, can, failure, ये सब जुमले हैं। अगर आप इससे पॉजिटिव होंगे, they are the simply the stepping stone to success. अगर आप इससे पॉजिटिव हैं, a man who faced many rejection from newspaper editor, they said he had no talent, became the biggest creator, Walt Disney. A man failed 10,000 times before he made the electric bulb. Edison, a man who failed in the business at the age of 21. Sweetheart died at the age of 26. Had a nervous breakdown at the age of 27, became the president of the United States, Abraham Lincoln. Learn from the life stories of these people. Turn your negative thought into positive thought. Time is the money. Value your time. Create a plan for carrying out your desire and begin at once. Whether you're ready or not, put this plan into action. Ye wahi hai entrepreneurship. Start your day with a positive. Love to take the responsibilities. When your desire are strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve. Patience, persistence, perspiration make an unbeatable combination for success. Go for it. Think and grow great. So basically, जो thinking process है, that is very important, right? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इस slide में ये इसकी मिसाल है, ये ओ सलमन, ये अपनी किताब में लिखती है कि मैं रेस जीत रही थी,
एंड आई वॉज वेरी नियर टू माई रोप विनिंग रोप लेकिन मैंने मेंटली आई वेंट बैक और फिजिकली आई वॉज देयर लेकिन मेंटली मैं कहीं और चली गई और मैंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी 5 मेडल्स हैं गोल्ड मेडल्स हैं इसको मिला के छठा हो जाएगा तो इसने लिखा है कि विद इन फ्यू सेकंड आई लॉस्ट माय रेस बिकॉज आई लॉस्ट माय कंसंट्रेशन क्योंकि वो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थी इसने काम को कंप्लीट नहीं किया और ड्यूरिंग काम सोच को कहीं और ले गई जिसकी वजह से इसको क्या हुआ ये रेस हार गई तो इसलिए वी नीड अलाइनमेंट बिटवीन बॉडी मसल्स एंड ब्रेन मसल्स सिमिलरली इफ यू डोंट प्रैक्टिस योर बॉडी मसल्स इट बिकम वीका आप ब्रेन मसल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये वीक हो जाता है तो हमें अलाइनमेंट चाहिए होता है कि जो काम कर रहे हैं उसी पे रहना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे कोई भी काम हो वेदर यू आर ईटिंग योर ब्रेकफास्ट स्टे विद योर ब्रेकफास्ट फॉरगेट अबाउट द लंच एंड डिनर चाहे आप वॉक कर रहे हो एंजॉय योर वॉकिंग व्हाइल यू आर टॉकिंग योर मदर एंजॉय योर टॉकिंग व्हाइल यू आर टेकिंग अ लेक्चर एंजॉय माय लेक्चर राइट जब आप एंजॉय करेंगे यू विल गेट मैक्सिमम फ्रॉम anybody right lekin this is not easy it is very easy to talk but how could we walk the talk you need practice for that aapko jo hai mental exercise karni padegi rozana daily basis pe exercise karni padegi rozana har aapko time ko divide karke between 10 to 12 ya 6 to 8 ya 6 to 7 ek ghante ke hisab se ki I have to think positive 1 hour the moment you achieve 1 hour 100% right then move on to the second hour to aapne daily basis pe practice karenge jab aapki habit develop hogi aapne uska naam suna hoga Dr. Stephen Covey 7 habits of highly effective people wo bhi yahi kehta hai ki habits can be internalized it can be developed right koi kaam mushkil nahi hai lekin sabse pehle realization honi chahiye fir uske baad jo hai ये जो स्टोरी ऑफ वर्ल्ड कप इमरान खान की आपको पता है 92 का वर्ल्ड कप हम लोग हार चुके थे टोटल मैच हार चुके थे इवन सब लड़के पैकिंग कर रहे थे कोई कह रहा था मलेशिया से जाएंगे कोई कह रहा था सिंगापुर से जाएंगे वहां शॉपिंग करेंगे सारे अपने लेकिन ये खान साहब आए कहला लगता फाइनल जीतेंगे तो एक प्लेयर ने मैं जानता हूँ उसको नाम नहीं बताऊंगा उसने कहा कि ये बूढ़ा सेट आ गया है ना क्योंकि हम मैच हार चुके हैं एंड हम सारा पैकिंग कर रहे हैं ये कैसे हुआ लेकिन इसने हार पे भी जो है कभी इसने हार नहीं मानी और हार पे भी ये कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे मैचेस बाकी हैं कुछ भी हो सकता है और फिर अल्लाह ताला ने द वे यू थिंक यू डिलीवर इन दैट मैनर और हदीस कुदसी भी है कि जैसा गुमान करोगे अल्लाह वैसा फैसला करता है तो इसने जब वैसा सोचना शुरू किया और इसने एक बार बता दूं इसने तकरीबन 3 घंटे दुआ मांगी थी अल्लाह से 3 घंटे और बाकायदा ये बात कर रहा था पेप टॉक कर रहा था पेप का मतलब है एनर्जी पेप टॉक एनर्जी टॉक कि मैंने फाइनल जीतना है मैंने हॉस्पिटल बनाना है और वो पॉजिटिव था हार पे भी पॉजिटिव था तो वो इंग्लैंड का एक मैच था बारिश हो गई एक एक पॉइंट हो गया और पता नहीं क्या इस वजह से अब ये जरा इंटरव्यू जरा सुने जरा इसका कि ये इसकी एक और एग्जाम्पल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो अनबीटन जा रही थी और सबसे बेस्ट टीम थी उनका रिदम उनका कॉम्बिनेशन उनका कोऑर्डिनेशन बेस्ट था लेकिन पता है क्या हुआ एक मैच हुआ आखिरी मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड लेकिन उसमें क्या था कि पाकिस्तान अगर जीत हारता है पाकिस्तान अगर हारता है न्यूजीलैंड से तो न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया जाना था सेमीफाइनल खेलने के लिए तो उन्होंने नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आए उन्होंने कहा नहीं हम इनसे हार जाते हैं ताकि हम स्टे इन न्यूजीलैंड टू गेट द होम एडवांटेज ये मार्टिन क्रो ने और मुझे इन प्लेयरों ने बताया कि इनकी ये फीलिंग्स थी और ये जानबूझ के हमसे मैच हारे वो पूल मैच था तो क्यों हारे ताकि हम होम एडवांटेज लें न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल खेलेंगे और हमसे जीत जाएंगे इत्तेफाक से ये हुआ कि नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आया कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था लेकिन नेगेटिव फीलिंग लेकर आए और फिर पाकिस्तान से सेमीफाइनल हो गया अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था इन्होंने 262 पे 262 कर दिए और न्यूजीलैंड मैच हार गया तो इसलिए कभी भी जिंदगी में याद रखना कभी भी नेगेटिव मतलब फीलिंग्स नहीं लेके आना नेगेटिव फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया छोटा सा एक्सीडेंट हो गया किसी ने हिट मार दी तो अब नेगेटिव फीलिंग ये नहीं है उसमें भी पॉजिटिव लेना कि अल्लाह ने इसमें बेहतरी की है ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह क्या गाड़ी में चोट लगी है ज्यादा शुक्र करो तो शुक्र गुजारी भी इच्छा ग्रेट पॉजिटिव थिंकिंग है राइट तो बेसिकली क्या था कि इमरान खान का जो अभी मैं इंटरव्यू आपको सुनाऊंगा जरा देखे इसकी कम्युनिकेशन देखिएगा ये क्या कहता है अब ये गूच है इसके बराबर में आर यू वॉचिंग और नॉट आप लोग देख रहे हैं ना यस सर ओके ये देखिए ये गूच की बॉडी लैंग्वेज देखे प्लीज
गूज की बॉडी लैंग्वेज देख के हाथ पीछे बंदे में, और इमरान की बॉडी लैंग्वेज देखिएगा जरा। हालांकि इंग्लैंड की टीम जो है बेस्ट टीम थी, उसकी न्यूजीलैंड की तो पूल मैचेस में बेस्ट टीम थी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ वाइज, एबिलिटी वाइज, कैपेबिलिटी वाइज और सीनियर वाइज, एक्सपीरियंस वाइज इनकी टीम बेस्ट थी। लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज देखे और इधर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज देखे, अब देखे जरा, सुनिएगा जरा। जी देखा आपने इससे क्या बोला? हेलो सर, वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी। अच्छा चलो, मैं समझ में आया बस। क्या आखिरी जुमला क्या समझ में आया? सर वही जो पहले से सुना हुआ है कि if they play like tigers, I don't mind if they win or lose। हाँ देखे ना, ये देखे ना, इसने करंट मोमेंट को एंजॉय किया ना। अच्छा अब आप, इसने करंट मोमेंट को एंजॉय किया और ये कहा कि विन एंड लूज डज नॉट मैटर, वी विल एंजॉय द गेम। ये कॉन्सेप्ट है, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट है जो ये बता रहा हूँ कि एंजॉय योर करंट मोमेंट। अच्छा ये एंड रिजल्ट पे नहीं किया इमरान खान, एंड रिजल्ट पे नहीं किया, जबकि गूच जो है वो एंड रिजल्ट पे किया था। ये सोच रहा था कि ये अचानक टीम आ गई है, हमने जीतना है, ये फ्यूचर में जंप कर गया था। जब आप देखा, मैंने आपसे कहा था ना ड्यूरिंग माई सेशन के वी नीड अलाइनमेंट बिटवीन बॉडी मसल्स एंड ब्रेन मसल्स, व्हाट यू आर डूइंग, आप उसी पे रहें बस। अब क्या हुआ, जब आप फ्यूचर पे जंप कर जाते हैं कि पता नहीं मैच जीतेंगे या हारेंगे, तो क्या होता है, गाड़ी वॉबलिंग करने लगती है, राइट? तो उससे ये नुकसान हुआ गूच को, और इमरान को ये फायदा हुआ कि फ्यूचर में जंप नहीं किया। उसने कहा वी विल एंजॉय द गेम, स्पेशली द यंगस्टर, ही मोटिवेटेड दोस प्लेयर हु आर सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, के लुक विन एंड लूज डज नॉट मैटर, वी विल एंजॉय द गेम, एंजॉय द गेम। अब उसने बच्चों को इतना मोटिवेट कर दिया इस जुमले से कि उन्हें कहा पाजी कुछ भी हो जाए, मैच जीतो या हारो खुल के खेलो, ठीक है ना। ये नहीं कहा कि उसने कहा कि नहीं फ्यूचर में जंप नहीं किया उससे ना, क्योंकि फ्यूचर इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल, द प्रोसेस, राइट? और इसी तरह एफेक्चुअल लॉजिक में भी यही है कि जो आपके पास मौजूद है आप उससे काम करें। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, भाई जो है उससे आप इंजॉय करें, वो फिर खुद ब खुद हो जाएगा, जैसे शान की मिसाल सामने। तो इस स्पोर्ट्स में जो ये जो चैंपियन बना, उसकी बेसिक वजह यह था कि इसने इंजॉय किया और इसने का सरकमस्टेंसेस, इसने एक जुमला और बोला जो आप लोगों ने नहीं सुना, कि सरकमस्टेंसेस अल्टीमेटली आपके फेवर में आ जाते हैं जब आप इंजॉय करते हैं। जब उसका मफहूम ये है, उसका मायने ये है, उसने इंटरव्यू में ये बात नहीं की, लेकिन इसको डीपली अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, उसका यही मकसद निकलता है कि जो फेवर में सरकमस्टेंसेस नहीं होते, अगर आप कीप कंटिन्यूस थिंकिंग पॉजिटिवली, राइट, तो वो एक ना एक दिन आपके फेवर में आ जाते हैं। एनीहाउ, और इसके बारा गूज की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, हेल ऑफ अ डिफरेंस, राइट? हेल ऑफ इवन जो टॉस है, क्या टॉस फर्क पड़ता है बैटिंग में या बॉलिंग में? हैं जी, क्या टॉस जीतने से फर्क पड़ता है? एक्सक्यूज मी, जी बिल्कुल, यस सर, पड़ता है। बाज लोगों के लिए पड़ता है, बाज लोगों के लिए नहीं पड़ता, क्योंकि टॉस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आपके कंट्रोल में आपकी बैटिंग है। ये वही बड़े इनपेंसिबल है, जो आपके पास स्ट्रेंथ है आप उस पर वर्किंग करें। अब मैं टॉस पे जा रहा हूँ, मैं कमेंट्री कर रहा था, शेब अख्तर फाइनल मैच खेल रहा था, तो जब इंटरव्यू हुआ, टॉस हुआ, तो टॉस हार गया, तो उसने कहा विकेट बहुत खराब है और फलाना है, डिमका है, और तो इसने मैसेज कन्वे किया कि देखो सब चीज विकेट है, अगर तुम हार भी जाओगे तो विकेट को ब्लेम करेंगे, राइट? तो मैंने टीवी पे यही कहा कि इसने पहले ही से कन्विंस कर दिया अपने बच्चों को
कि देखो विकेट बहुत खराब है, अगर तुम हार भी जाओगे तो नो वरीज एट ऑल। तो पहले से उसकी बॉडी लैंग्वेज स्लो गई और 40 ओवर में वो मैच हार गए। तो इसलिए गुजारिश ये है कि सर्कमस्टेंसेस फेवर में जब आएंगी, कि जब आपका एटीट्यूड सेम होगा, एटीट्यूड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड चेंजेस एवरीथिंग, एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड। और एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड में आपकी रियल एग्जांपल्स देते हैं, जैसे जैसे ये जो आपका एक प्लेयर है, ये हमेशा फोकस करता है किस पे, बॉल टू बॉल फोकस करता है, ये नहीं कि पूरे गेम को फोकस करता है, कि कहता है कि मैं हमेशा एक बॉल को फोकस करता हूँ, जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर मैं नेक्स्ट बॉल पे जाता हूँ। लेकिन सलेमन जो ये है, इसने जो है रेस जीतने से पहले जो है रोप को टच करने से पहले उतनी थिंकिंग को, सोच वो कहीं और ले गई, फिजिकली शी वाज देयर बट मेंटली शी वेंट बैक समवेयर एल्स, राइट? और तो जिसकी वजह से कहती है मेरी बॉडी स्लो गई, आई लॉस्ट द रेस। और इसके बाद इमरान जो वर्ल्ड कप जीता, वो सिर्फ इसलिए जीता, उसने सिर्फ एंजॉय किया, हार की फिक्र नहीं की, स्टिग्मा फेयर की फिक्र नहीं की। जिंदगी में याद रखना, इंसान एक्शन क्यों नहीं करता किसी बिजनेस में, कि स्टिग्मा फेयर होता है, पता नहीं कामयाबी होगी नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं। इसलिए अफोर्डेबल लॉस के साथ कहा गया है कि अफोर्डेबल लॉस के साथ करो, ताकि एंजॉय करो, भले फेल हो जाओ, नो वरीज एट ऑल, एक्सपीरियंस दैट काउंट्स अ लॉट। एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक्सपीरियंस हासिल करता है। शुरू में कभी भी तरक्की नहीं होती, सिकंदर की देख ले, बारबेक्यू, सरदार कहीं मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, उसने खुद ही एक, वहां पे मार्केट भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ क्या था, उसने काम शुरू किया, खुद ही करता था, शर्माता नहीं था, लो प्रोफाइल था। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे शर्माते हैं, पहले ही बाबू बनने के चक्कर में आ जाते ना, जिसकी वजह से कभी भी तरक्की नहीं होती। एनी हाउ, जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपको मैं बताऊं, ये टैलेंट वर्सेस एटीट्यूड, इसकी मिसाल ये है, ये दो प्लेयर हैं, तेंदुलकर और विनोद कांबली, राइट? स्कूल लेवल में सेम टैलेंट था, बल्कि विनोद कांबली ज्यादा ग्रेसफुल प्लेयर था, ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन उसके बरक्स तेंदुलकर इतना अच्छा नहीं था। तो तेंदुलकर क्या 14 साल की उम्र में इसने तकरीबन 72 मैच खेले विदाउट गैप, 2 घंटे पहले प्रैक्टिस करता था, 2 घंटे बाद में, हालांकि हर मैच में 100 नहीं करता था, कितने मैचों में वो सिफर पे आउट हुआ होगा, लेकिन क्या था कि प्रैक्टिस करने से स्टिग्मा फियर खत्म हो गया। और इसके बरस दूसरा था, ये मैच पे आता था 100 कर दिया करता था, लेकिन इसने प्रैक्टिस नहीं की। जो हमने वीडियो देखी उसमें क्या था, पेशेंस था, परस्परेशन था, परसिस्टेंस था, परसिस्टेंस कंटिन्यूस मेहनत करते रहो, जिस फील्ड में भी हो उस पर मेहनत करते रहो, पसीना निकालते रहो, रिजल्ट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हाथ में है। तो जो अल्लाह के हाथ में है उसके बारे में क्या सोचूं, जो मेरे हाथ में वो मैंने करना है, और जाहिर है कैलकुलेटेड करना है, हर चीज कैलकुलेशन के साथ करनी है। फिर आप इधर देख लें, एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड, राइट? हाउ सच ए स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस, कितनी छोटी चीज है एटीट्यूड, लेकिन कहां से कहा। मुश्ताक अहमद, ये आपने, ये 5वीं क्लास पास है, साहिवाल का उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ है, और दरख्त के नीचे पढ़ता था, धूप निकलती थी तो मुझसे कहता है कि जब धूप निकलती थी तो मेरी छुट्टी हो जाती थी, ठीक है, और भैंसों का काम करता था, दूध मतलब उनका बेचता था। लेकिन क्या था, ये भी मेरा रूममेट रहा, यूबीएल में ये भी था। तो पहला चेक मैंने इसका पढ़ा था 10,000 रुपए का, और इसने मुझसे कहा था मोइन पढ़ी की लिखिया, मोइन भाई पढ़ी लिखा की लिखिया है। तो मैंने लिखा कि यार तुम्हें पीसीबी से क्रिकेट बोर्ड से 10,000 मिले। तो आप यकीन करें, बकायदा ये बिस्तर पे उछल रहा था और ये कह रहा था कि मैनू चेक मिल गया, मैनू चेक मिल गया। तो मैंने इसको उस दिन बोला, मैंने तुम्हें बड़े चेक मिलेंगे, क्योंकि ये शर्माता नहीं था। अच्छा, अब ये 5वीं क्लास पास है उर्दू मीडियम। मैं अपने MBA के बच्चों को कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि तुमने अंग्रेजी में कमेंट्स देने की पे, सर नहीं सर हम नहीं जाएंगे। क्यों डरते हैं? नेगेटिव फीलिंग्स हैं, माइंड में नेगेटिव है कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। ये 5वीं क्लास, ये 10 स्पोर्ट्स में अंग्रेजी में कमेंट्स कर रहा है, चाहे जैसी भी अंग्रेजी बोलता है, शर्माता नहीं है, डरता नहीं है और एक्शन कर देता है, बताओ। और हमारे MBA के बच्चे सिर्फ ये ग्रामर 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 ग्रामर, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसे, बचपन से ग्रामर सिखा रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं, जो काम करने का उस पर कॉन्सेंट्रेट है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, जिसलिए हमने तरक्की नहीं हुई। ना रोड मैनेजमेंट है, ना गटर मैनेजमेंट है, ना वाटर मैनेजमेंट है, ना कुछ मैनेजमेंट है, राइट? क्योंकि वर्किंग नहीं है, टायर अगला पंक्चर है, और सारे स्टेप नहीं, मेहनत कर रहे हैं, कह रहे पाजी गड्डी नहीं चल रही, गड्डी कितना चल रही है, टायर तो अगला पंक्चर है। सो वी नीड टू नो द डायरेक्शन, वे टू वॉक, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री से हटकर, क्योंकि डिग्री से खाली उनेद लखानी, इकरा यूनिवर्सिटी का मालिक, 200 PhD उसने मुलाजिम रखे हुए, 200 PhD, और खुद कितनी पढ़ाई लिखाई है उसकी, 200 PhD उससे मुलाजिम रखे हुए। तो पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि दिमाग खुले, होराइजन, दिमाग का होराइजन खुले, आपको पता चले कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और वर्किंग किधर कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरी पढ़ाई से मुझे यही नहीं पता चला कि मैंने वर्क का करना है, तो फिर क्या फायदा। एनी हाउ, नेक्स्ट स्लाइड,
एरिस्टोटल क्या कहता है, सॉ थॉट रीप एन एक्शन, सॉ एन एक्शन रीप अ हैबिट, सॉ अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सॉ अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। सबसे ज्यादा दिमाग इसका चलता था ना, अल्लाह ताला ने इसको एक हुनर दिया था। यही कहता है कि जो जैसी सोच बोगे वैसी एक्शन तुम्हारा होगा, जैसा एक्शन बोगे वैसी आदत बनेगी, जैसी आदत बोगे वैसी कैरेक्टर बनेगा, जैसे कैरेक्टर बोगे। मुकद्दर जो है इंसान की सोच से बनते हैं, अच्छी सोच से बनते हैं। आप अच्छा सोचना शुरू कर दें, इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। एक आदमी नमाजी है लेकिन नेगेटिव आदमी, उसके चेहरे पे कभी रौनक नहीं आएगी। अगर वो एक आदमी नमाजी भी है, रौनक तो आती है इससे अगर अल्लाह के कबूल होती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आदमी होगा उसके चेहरे में खुशी होगी। नॉर्मन विंसेंट कहता लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त जो हमने डेवलप करनी है, वो इस हैबिट को डेवलप करनी है। कौन सी? के पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पावर माइंड जो है इज एवरीथिंग। स्पोर्ट्स इज प्लेड विद द बॉडी एंड वॉन इन द माइंड। ये टाइगर वुड कहता है कि जो वो तो स्पोर्ट्स ही बात कर रहा है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन था। कि स्पोर्ट्स इज प्लेड विद द बॉडी वॉन इन द माइंड, इट्स ऑल माइंड गेम। इसी तरह आपका बिजनेस है, इसी तरह आपका कोई काम है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या अफोर्डेबल लॉस? यस ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड। कोई ये सारी मिथ्स हैं कि ये फोरकास्टर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को हालात एंटरप्रेन्योर बना देते हैं, कोई किसी को मजबूरी बना देते हैं, कोई जो है एक्सीडेंटली बन जाता है। कितने केसेस आपने इफेक्चुअल सारस्वती की बुक में पढ़े हैं कि किसी ने जो है ऐसा कोई काम शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया सिर्फ फीस निकालने के लिए, और वो टाइकून बन गया। लेकिन तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक हैबिट को डेवलप करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये सुने, जरा क्विक सुने जरा सा, हमारे पास टाइम तकरीबन 5-6 मिनट रह गए। एक शख्स नजर बद से डरता है, फिर वाकई उसे नजर लग जाती है। एक शख्स नाकामी से खौफ खाता है और वो वाकई नाकाम हो जाता है। एक औरत को धड़का लगा रहता है कि उसका बच्चा बीमार हो जाएगा और फिर वाकई वो बीमार हो जाता है। एक शख्स फकर और मोहताजी से डरता है, फिर वो वाकई फकीर और तंग दस्त हो जाता है। ये सब कैसे होता है? इसकी वजह ये है कि एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का फरमान है, अना इंदा वन्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के जन यानी गुमान पर पूरा उतरता हूँ। और कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपने बंदे के हुस्न जन पे पूरा उतरता हूँ, बल्कि खाली जन फरमाया, गुमान। इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब आदमी गुमान करता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, रिज्क में कुशादगी होगी, माल औलाद में बरकत होगी, तो अल्लाह ताला पर हुस्न जन रखता है और अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसे अता करता है। मगर जब आदमी हर वक्त खौफ में रहता है, उसे फकर व मुफलिसी या बीमारी का खौफ लगा रहता है, वो दरअसल अल्लाह ताला से बदजन है। अल्लाह ताला भी उसे उसकी नीयत के मुताबिक अता करता है। इरशाद रब्बानी है, वयुअज़्ज़िब अल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात और उन मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा देगा जो अल्लाह ताला के मुतालिक बुरे गुमान रखते हैं। ठीक है भाई, ये देखा आपने, ये हदीस कुदसी है। द वे यू थिंक यू डिलीवर इन डार्क मैटर, गुमान पर बात की है। उसने जन पे बात नहीं की, जन पे बात की है कि तुम नेगेटिव सोचोगे मैं नाकाम हो जाऊंगा, तुम नाकाम हो जाओगे। मेरे साथ कितना प्रैक्टिकल हुआ है कि मुझे कोई सिग्नल आज बंद नहीं मिलेगा, मैं गाड़ी निकलता हूं, मुझे जल्दी पहुंचना होता है, तो आप यकीन करें उस दिन सिग्नल मुझे बंद नहीं मिलता और अल्लाह ताला मदद करता है। इसी तरह इमरान खान की वर्ल्ड कप में मदद की, इसी तरह मुश्ताक अहमद की मदद की, इसी तरह जहांगीर खान की मदद की, सिकंदर भाई की मदद की। आप ये देख लें, ये जो बास्केटबॉल का प्लेयर है, ये क्या कहता है, देखे, आई एम नॉट प्लेइंग फॉर द फैंस फॉर द मनी बट टू ऑनर गॉड आई नो माई मोटिवेशन, आई नो वेयर आई एम हेडेड, एवरी नाइट आई ट्राई टू गो आउट देयर टू ऑनर हिम एंड प्ले ग्रेट। ये क्या है, देखे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि इसकी आंखें अल्लाह की तरफ है, ये हमेशा अल्लाह को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। हम लोग मखलूक को सेटिस्फाई करते हैं, 6 फुट से ऊपर नहीं गए, हम लोग 6 फुट से ऊपर ही नहीं गए, हमने ऊपर देखा ही नहीं। हालांकि ये क्रिश्चियन है, ये कहता है कि मैं आई ऑलवेज गो टू द चर्च बिफोर द मैच एंड आफ्टर द मैच एंड टॉक टू गॉड, कि अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया है, मैं उसी को सेटिस्फाई करूंगा। तो इसलिए ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर है बास्केटबॉल का, राइट? तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल, क्योंकि लर्निंग हैज नो एंड। मैं भी सीखने वाला हूँ, आप भी सीखने वाला है, कोई सिक्का सिखाया नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमने आज के बाद से इंशाल्लाह ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मैं अपनी रात से पॉजिटिव नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने रात दी है मैं जागता हूँ, दिन दिया है जागने के लिए मैं सोता हूँ, मतलब उससे पॉजिटिव नहीं है। मतलब मैं अपने दीन से पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं अपने नाम से पॉजिटिव नहीं हूँ। व्हाट इज योर नेम सर? टोनी। व्हाट इज योर रियल नेम? तनवीर। मैं अपने नाम से डिफेंस में रहता हूँ। सही बताओ। नहीं, करंगी।
वो अपने इलाके से सेटिस्फाई नहीं है। जब तुम अपने इलाके से सेटिस्फाई नहीं हो, अपने नाम से सेटिस्फाई नहीं हो, अपनी स्ट्रेंथ वही है ना, बड़ी नाइन प्रिंसिपल, वो द कुरान विच इज द ओनली बुक विच रिफ्लेक्ट द फ्यूचर पास एंड प्रेजेंट एंड द रेस्ट ऑफ द बुक ऑन दिस अर्थ रिफ्लेक्ट पास, हम उसको पढ़ रहे हैं लेकिन कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कॉपी एंड पेस्ट कल्चर है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि प्लेजरिज्म है, टीचर कहते हैं कि प्लेजरिज्म में फेल हो जाओगे, लेकिन द वे ऑफ लाइफ क्या है हमारी, टोटल प्लेजरिज्म है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, डबल पीएचडी करो, खूब पढ़ना चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे पास मौजूद है यू शुड बी हैप्पी विद दैट। तुम उससे खुश रहोगे तो तुम तरक्की करोगे, क्योंकि हमारा कोर्स अलग है, उनका कोर्स अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन है, अल्लाह सबका रब है, तमाम रिलीजन जितने भी रिलीजन हैं उन सबका रब है, लेकिन हमारा चूंकि कोर्स अलग है हमने उसके हिसाब से चलना है। फिर आप देख लें जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पीपल मैंने आपको बताया था कि देखिये दो किस्म के लोग होते हैं, टास्क ओरिएंटेड एंड ईगो ओरिएंटेड। फॉर गॉड सेक, मैं मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि छोटे छोटे इश्यूज पे हम लोग बहस नहीं करें, हम लोग टाइम को वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और दुनिया चांद पर चले गए और हम लोग छत पे खड़े हैं, भूकाटा से ऊपर हम लोग गए नहीं। सिर्फ इसकी वजह बेसिक यही है कि हम लोग ईगो ओरिएंटेड पर्सनैलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू टास्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, राइट। मैं इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड में तो मेरे दोस्त ने बैक बाइटिंग की, तो इत्तेफाक से मैं उसमें था, किसमें, ये जो NHS में, जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल है दुनिया का, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था, तो वो जापनीज मैनेजर थी, एक मिनट प्लीज स्टे विद मी जस्ट फॉर अ वाइल, राइट। तो किसी मेरे दोस्त ने किसी की बैक बाइटिंग की, तो उसने अपने ऑफिस में बुला लिया, डोंट डिस्कस पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट वार्निंग टू यू, प्लीज यू जस्ट हियर फॉर योर वर्क, जस्ट स्टे विद योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट विद योर वर्क एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर आखिर में वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन ऑफर योर फैमिली ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड।